Hello students, welcome to the class. And in today's class I will be dealing with a very important topic. Bahut zyada important topic ke upar discussion karenge hum. Russian government ne kuch changes propose kar diye hain. Kis cheez mein changes propose kiye hain? Ki unka samvidhan badal diya jaye. Ye changes kya hain? Inko samajhna bahut zyada zaruri hai mains point of view se. Now before I start this class, aap logon ko ek baat bata dena chahta hu कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर. सॉफ्टवेयर का नाम है मैजिका. तो मैजिका के ऊपर जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आपका रियल टाइम में आप आंसर्स को लिख सकते हैं. कि क्वेश्चन को रीड करने के लिए आपको एक अलग टाइम मिलता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए अलग टाइम मिलता है, एंड उसके बाद में आपके आंसर का इवेल्युएशन भी हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हम इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, एंड ये चेंजेस क्यों हो गए हैं. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो प्रेजेंट उनके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, पुतिन को बेसिकली डर है कि 2024 के बाद जब वो देश के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो उसके बाद वो सरकार में कैसे बने रहेंगे. इस चीज़ को समझने के लिए कि व्लादिमीर पुतिन को यह डर क्यों है, उसके लिए हमें रशिया के प्रेजेंट हालातों को समझना पड़ेगा. नो प्रेजेंटली रशिया में बहुत अच्छे हालात नहीं है, इकॉनमी बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही. रशिया की डेमोग्राफी में बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं. डेमोग्राफी में चेंजेस का क्या मतलब है, रशिया में आज की डेट में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ गई है. तो बुज़ुर्ग पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से भी जो इकॉनमी है वो स्लो डाउन हो गया है इकॉनमी का. और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो तेल के दाम है, तेल के दाम बहुत गिर गए हैं, उससे रशियन गवर्नमेंट को बेसिकली रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है. तो रशियन गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. रिसेंटली रशिया में एक पेंशन रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आक्रोश है रशिया में. तो ये तो एक न्यूज़ आई है रिसेंटली कि रशियन गवर्नमेंट एक ड्रामेटिक चेंज करने वाली है, किसमें, सरकार में चेंज करने वाली है. एंड अभी ये चेंज हुआ नहीं है, पूरा चेंज नहीं हुआ है, अधूरा चेंज हो गया है. अधूरा कैसे चेंज हो गया है, वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा. नाउ जब पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया कि मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ. उसके बाद में उन्होंने वहाँ की जो पार्लियामेंट है जिसका नाम है दुमा, दुमा में जाके उन्होंने ये बता दिया कि वो कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने वाले हैं संविधान में. सबसे बड़ी चेंज क्या है, वो पार्लियामेंट को पावरफुल बनाने वाले हैं. आज की डेट में रशिया में प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, बट वो कह रहे हैं कि 2024 के बाद क्या होगा, पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी, तो प्रेसिडेंट की पावर बेसिकली कम हो जाएगी. ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया रशिया के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, रशिया की इकॉनमी स्लो हो गई है, रशिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रशिया के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत होनी चाहिए वहाँ पे रशिया में. तो इसीलिए अब पुतिन को पता है कि 2024 के बाद अगर वो दोबारा से फिर प्रेसिडेंट बने रहेंगे, जो कि उनके संविधान के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा कि उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो जाएगा. इसीलिए वो अगले आने वाले सालों के लिए पिच अभी से तैयार कर रहे हैं, सिचुएशन अभी से वो वैसी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए. तो ये बेसिकली वो चाहते हैं. देखो इससे पहले ये सारी जो चीज़ें हमने मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रशिया कैसी डेमोक्रेसी है. ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना. देखिए जिस तरह की डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान है, जहाँ जिस तरह की डेमोक्रेसी में यूएसए काम करता है, वो बहुत भिन्न डेमोक्रेसीज हैं, बहुत अलग डेमोक्रेसीज हैं. रशिया में 1991 तक तो कम्युनिस्ट सिस्टम था, सिंगल पार्टी रहती थी वहाँ पर, मल्टीपल पार्टी का सिस्टम अलाउड नहीं था. 1991 के बाद, मतलब 1991 में रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन आने के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी गई, बट ये डेमोक्रेसी केवल कागजों में थी, क्योंकि
जब सत्ता परिवर्तन हुआ रशिया में 1991 के बाद, जो ज्यादातर ताकत है रशिया की वो किसके पास चली गई? ज्यादातर ताकत चलेगी अमीर लोगों के पास। वो एक अलग सिस्टम है, उसको बोलते प्लूटोक्रेसी। वो आगे स्लाइड बनाया हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा। तो रशिया में रियल डेमोक्रेसी नहीं है, रशिया में डिक्टेटरशिप है, क्यूबा की तरह, इट इज सी, या नॉर्थ कोरिया की तरह, बट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब टाइप है नॉर्थ कोरिया की टाइप है, क्यूबा कम स्ट्रिक्ट है, एंड नॉर्थ कोरिया में तो बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप है। तो क्यूबा की तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं रशिया का। रशिया के हालात काफी ठीक थे 2000 तक। 2000 में आ गए व्लादिमीर पुतिन। पुतिन बहुत ही अमीर घर से हैं। पुतिन के ने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, ऑयल में बहुत सारा करप्शन हुआ है, तो पुतिन को बेसिकली काफी लोग रशिया में पसंद नहीं करते हैं। एंड पुतिन जब आए, पुतिन ने सारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना शुरू कर दिया। जब पुतिन पावर पे आए, उन्होंने सारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया। जितना भी इंडिपेंडेंट मास मीडिया था उसको भी रोक दिया। एंड उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि सबसे बेस्ट पुतिन ही है। तो पुतिन 2009 तक देश के प्रेसिडेंट बने रहे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए, दोबारा से फिर प्रेसिडेंट बन गए। एंड बीच में उन्होंने जिसको चुना प्रेसिडेंट बनाने के लिए, वो भी उनके बहुत ज़्यादा खास थे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रशिया में इस तरह के प्रोटेस्ट आम हो गए आज की डेट में। रशिया इज़ नॉट अ रियल डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी एट ऑल। ठीक है, ये किसी का आर्टिकल है, उस आर्टिकल से मैंने ये उठाया है। ठीक है, ये लिख रखा है इन्होंने प्लेकार्ड कार्ड के ऊपर, पुटिन स्टोल माई वोट। तो जितने भी लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में वहां पे, वो वोटिंग काफी ज्यादा रिग्ड हो जाती है। बहुत सारे पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं। 2013 की ये न्यूज है, स्निपेट लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओ कि वहां पे डेमोक्रेसी किस तरह की है। प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे, कहां पे? मॉस्को में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने रिजाइन कर दिया इमीडिएटली जब व्लादिमीर पुतिन ने वहां की जो पार्लियामेंट है दुमा, उसको एड्रेस किया दोनों हाउसेस को, ये बताने के लिए कि अब प्रेजिडेंट की जो पावर्स हैं आने वाले सालों में कम हो जाएंगी, एंड जो प्राइम मिनिस्टर की ताकत है वो बेसिकली आने वाले दिनों में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बेसिकली ये क्यों किया इन्होंने, ये कहा जा रहा है कि हालात वहां के ठीक नहीं है, एंड लोगों के आक्रोश से बचने के लिए, लोगों के गुस्से से बचने के लिए, लोग बेसिकली अब पसंद नहीं कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को। एंड आज की डेट में व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे थे जिसके ऊपर सारा इल्जाम थोप दिया जाए, और उनको ये मिल गया है, कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो मदवीदेव ये हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर थे बेसिकली, अब नए प्राइम मिनिस्टर को ये ले आए हैं। इनके जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी आप देख लीजिए फोटो, ये हैं मिश हस्टन। ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे कंट्रोल कर रहे थे, बहुत लोग इनको नहीं जानते हैं, बहुत लो प्रोफाइल है। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे आदमी को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये लो प्रोफाइल है, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लोग जानते नहीं हैं, तो ये फ्यूचर में अपनी पावर को असर्ट नहीं करेंगे, एंड सारा देश बेसिकली व्लादिमीर पुतिन के हाथों में ही रहेगा जिस तरह से पास्ट में रहा है। तो ये सिस्टम है रशिया का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक स्लाइड बना रखी है आप लोगों के लिए, क्या रशिया एक प्लूटोक्रेसी है? प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब है? 1991 में जब रिफॉर्म आए ना, ये बोला गया कि रशिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बट रशिया में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई। जितने भी अमीर घर के लोग थे वहां पे, उन्होंने जितनी सरकारी चीजें थी, जितने सरकारी संस्थान थे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको बेसिकली कंट्रोल कर लिया। तो आज की डेट में रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ चंद अमीर घराने के लोग रशिया को बेसिकली चला रहे हैं। तो यहां से रशिया किस डायरेक्शन में बेसिकली चलाएगा, चला जाएगा? यहां से रशिया का ये है कि लोगों के बीच में आज की डेट में एक वेव चल उठी है कि वो बेसिकली क्या चाहते हैं, कि रशिया में डेमोक्रेसी आ जाए। ये वही पुराना मैं आपको बताया है कि रशिया में प्लूटोक्रेसी आ चुकी है 1991 से, एंड सारी इकोनॉमी व्लादिमीर पुतिन जैसे लोगों के हाथ में आ चुकी है। बहुत सारे लोग व्लादिमीर पुतिन को विलेन मानते हैं, एंड अगर हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करें तो रशिया में बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है।
जो उनके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे मद्वी देव, उनको एक अलग से पोस्ट दे दिया गया है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी की फील्ड में। तो नए प्राइम मिनिस्टर को ये ले आए हैं बाद में, अभी खुद क्या करेंगे व्लादिमीर पुतिन ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। चेंजेस कर दिए हैं बट इन्होंने प्रपोज्ड ये बोला है ये चेंजेस वो लोगों से पूछेंगे, रेफरेंडम कराएंगे ताकि दुनिया में लगे कि डेमोक्रेसी है, बट रियलिटी में डेमोक्रेसी नाम की चीज बहुत कम है रशिया में। सो दिस इज ऑल फॉर द क्लास। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो क्लासेस में अच्छी क्वालिटी है तो अपना जहां पे भी आपका सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।